मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स में चैप्टर टू हिंदी, जिसका शीर्षक है सच्चा मित्र, पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम जान लें कि सच्चा मित्र कहते किसे, सच्ची दोस्ती कहते किसे, मित्रता एक अनमोल रत्न है, एक ऐसा धन है जिसकी कीमत शब्दों में नहीं आती जा सकती। यह जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, अमीर गरीब जैसे भेदभाव को नहीं देखती। यह ईश्वर का वह उपहार है जो अपने आप हो जाता है, किया नहीं जाता। भाग्यशाली इस धरती पर वह इंसान है जिसे मित्रता का अनमोल वरदान, अनमोल रतन, अनमोल आशीर्वाद ईश्वर के द्वारा मिला हुआ है। परंतु आज के इस दौर में सच्ची मित्रता शायद ही देखने को मिलती है, शायद ही मिलती है। वैसे मित्रता के तो अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन वह पहले की बात हुआ करती थी, पुराने जमाने का समय था। आज ज्यादातर मित्र अपने मतलब की ही बात को समझते हैं, अपने मतलब के ही लिए आजकल लोग दोस्ती करते हैं। फिर भी दोस्ती दोस्ती है, मित्रता मित्रता है। आज मैं उसी चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं। सच्चा मित्र वह है जो सुख दुख हरेक पल में, हरेक क्षणों में अपने मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उसके साथ साये की तरह, यानी कि परछाई की तरह। यही है मित्रता, यही है मित्रता रूपी अनमोल धन। तो आज मैं, चूंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इस चैप्टर का कुछ ही हिस्सा आप लोगों को पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर अगले क्लास में मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो एक कहानी है सच्ची मित्रता। एक घना जंगल था, जंगल में अनेक पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल के किनारे एक झील थी। झील का पानी स्वच्छ यानी कि साफ और मीठा था। जंगल में सभी जानवर उस झील पर पानी पीते थे। झील के पानी में भी अनेक जलीय जीव रहते थे। जलीय जीव का मतलब आप लोग जानते हैं, जलीय जीव का मतलब होता है जलचर, यानी कि जल में रहने वाले जीव। झील के बीचों बीच एक टापू था। उसी टापू के पास सद्बुद्धि नाम का एक कछुआ रहता था। सद्बुद्धि कई बार तैरता हुआ झील के उस किनारे पर चला जाता था जहां जंगल के जानवर पानी पिया करते। वह चुपचाप उन जानवरों को देखता रहता था। सद्बुद्धि बड़ा ही समझदार और मन का सच्चा जीव था। वह किसी से दोस्ती करना चाहता था पर उसे लायक कोई लगता ही नहीं था जिससे दोस्ती करने का मन चाहे। बरसात का मौसम था, आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे, शीतल पवन यानी कि शीतल ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। मौसम बड़ा ही सुहावना था, लगता था
कुछ ही देर में बारिश होने वाली है। सद्बुद्धि कछुआ झील के किनारे लेटा हुआ सुहाने मौसम का आनंद ले रहा था। पानी पीने आए सभी जीव प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे। वर्षा होगी तो सभी को गर्मी से राहत मिलेगी, यही सोचकर सब जीव के चेहरे खिले हुए थे। तभी सद्बुद्धि की नजर एक मोर पर पड़ी। आप लोग जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहा था और वह कछुआ मोर के नृत्य को यानी कि मोर की नाच को ध्यान से देखने लगा। उसे नाचता हुआ मोर बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लगा कि इस मोर से दोस्ती करनी चाहिए। बच्चों मैं आज इतना ही पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इससे संबंधित कुछ शब्द अर्थ हैं जो मैंने इसे बोर्ड पर लिख दिया है। आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे अपनी अपनी कॉपी में साफ साफ लिख लें और इसे याद करें, क्योंकि जब तक कठिन शब्दार्थ याद नहीं होंगे कोई भी कहानी या स्टोरी वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो वो समझ में आपको नहीं आएगी। तो पहला है जलीय जीव यानी कि जलचर जल में रहने वाले जीव। उसके बाद है सुहावना, अच्छा। प्रतिज्ञा वचन देना, भरोसा विश्वास, अनमोल अमूल्य यानी कि जिसका कोई मूल्य ही ना, टापू चारों तरफ पानी से घिरी हुई जगह, राहत चैन आराम, पूर्ति भरपाई, लालची लालच करने वाला, दुष्ट खराब। ठीक है बच्चों, आज मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ा रहा हूँ। अगले क्लासेस में मैं फिर इस कहानी का अगला भाग समझाऊंगा और इसे पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।